अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे दर्द से परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की मानी जाए तो ज्यादातर लोग कमर के दर्द से परेशान रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमर में होने वाले दर्द को स्लिप डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि कमर का दर्द पीठ के दर्द जैसा होता है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी पर होता है। इसके अलावा कई लोगों को कमर के बीच में या कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है जो लोअर पेन कहलाता है। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल कमर दर्द एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है, क्योंकि कमर दर्द होना या बैक पेन होना बहुत ही आम है, लेकिन 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों को ये समस्या पहले होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या नौजवानों में भी देखने को मिल जाती है। अब अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं कराया जाए या फिर इसे मामूली दर्द समझकर इग्नोर कर दिया जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो ये समस्या धीरे धीरे आपके कूल्हे और पैरों में भी दर्द देने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्लिप डिस्क की समस्या से निजात पाने के घरेलू उपायों के बारे में, तो आइए जानते हैं। नंबर एक, अदरक पाउडर। अदरक पाउडर में 5 लौंग और काली मिर्च को पीसकर मिक्स करें। इसके बाद इससे काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पिएं, आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नंबर दो, कैल्शियम युक्त चीज़ें। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त चीज़ें शामिल करें। इसके अलावा कैल्शियम युक्त दूध और दही का भी आप सेवन कर सकते हैं। नंबर तीन, नारियल का तेल। नारियल के तेल में लहसुन की 3 से 4 कलियां पका लें। इसके बाद इस तेल से कमर और रीढ़ की हड्डी में मसाज करें। आप नारियल की बजाय सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर चार, सेंधा नमक। 1 कप सेंधा नमक को 1 बाल्टी गर्म पानी में डालकर घोल लें। इस पानी को हल्का ठंडा होने पर स्नान करें। इससे आपको मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न की परेशानी से राहत मिलेगी। नंबर पाँच, हेल्थी चीज़ों का सेवन। अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, खीरा, चुकंदर का रस और ककड़ी आदि को शामिल करें। हेल्दी डाइट लेने से आपको स्लिप डिस्क की समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योर एन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।